नमस्कार। मुद्रा शब्द संस्कृत भाषा की मुद्ध धातु से विनिर्मित है। तो आज हम जानेंगे हस्त मुद्रा या हस्ताभिनय के बारे में। शब्दकोशों में मुद्रा के अनेक अर्थों का विधान है, यथा मोहर, सिक्का या शरीर की कोई भंगिमा इत्यादि। नृत्य में ये शब्द बहुत महत्व रखता है। भारतीय नृत्यों में आधुनिक युग में मुद्रा हाथ व हाथ की भंगिमाओं को कहा जाता है। मुद्रा शब्द संस्कृत की मुद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आनंद, आमोद, प्रमोद आदि शब्द भी इसी धातु के बने हुए हैं। इसमें रा अर्थात देना प्रत्यय जोड़ देने के कारण मुद्रा शब्द बना है, जिसका अर्थ तंत्र शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है कि मुद्रा हाथों की वह भंगिमा है जिससे देवता लोग प्रसन्न हुआ करते हैं और उपासक काम क्रोध आदि शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। नृत्य की मुद्राओं और तांत्रिक मुद्राओं में तात्विक और व्यवहारिक रूप से भेद हैं। इस प्रकार मुद्राओं का प्रयोग योगियों, सिद्धों, बुद्धों, तांत्रिकों द्वारा भी किया जाता है, किंतु इन सभी मुद्रा विधानों में सैद्धांतिक अंतर हैं। प्राचीन भारतीय नृत्य शास्त्रों में मुद्रा को हस्त या हस्ताभिनय कहा गया है। भरतनाट्य शास्त्र व अभिनय दर्पण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन हस्ताभिनयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारत की विभिन्न नृत्य शैलियों के विभिन्न सिद्धांत अनुसार स्वतंत्र ग्रंथ भी इस विषयक हैं, जो मूलतः भरतनाट्य शास्त्र पर ही आधारित हैं। इन सभी ग्रंथों में मुद्राओं का नृत्य की भाषा में वर्णमाला के समान महत्व दिया गया है। भरत मुनि ने हस्ताभिनय को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, संयुक्त हस्त, असंयुक्त हस्त और नृत हस्त। एक हाथ से बनने वाली मुद्रा को असंयुक्त मुद्रा, दोनों हाथों से बनने वाली मुद्रा को संयुक्त मुद्रा कहा गया है और नृत में प्रयोग होने वाली मुद्राएं नृत हस्त कही जाती हैं। भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार हस्ताभिनयों की जो संख्या है वो 64 है। इनमें से 24 असंयुक्त, 13 संयुक्त और 27 नृत हस्त हैं, परंतु अभिनय दर्पण के अनुसार 32 असंयुक्त और 23 संयुक्त मुद्राएं होकर कुल 55 हस्ताभिनय होते हैं। अभिनय दर्पण में नृत मुद्राओं को अलग से कोई मान्यता नहीं दी गई है, वस्तुतः वे इन्हीं संयुक्त और असंयुक्त मुद्राओं में ही मिले जुले हैं। आचार्य नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में हस्त मुद्राएं कुछ इस प्रकार हैं।